पुआया नगर के मोहल्ला छावनी निवासी पीड़ित महिला रीना देवी ने कोतवाली में दी तहरीर, बताया कि उनकी 14 वर्षीय बेटी निशा कश्यप को बुखार आया था। वह पुआया गांधीनगर स्थित एसएम अस्पताल में अपनी बेटी को इलाज कराने ले गई थी। परिजनों ने डॉक्टर पर आरोप लगाया कि डॉक्टर ने उनकी लड़की को इंजेक्शन लगाया, जिससे उनकी लड़की की रात लगभग 9:30 बजे मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने अपनी निजी गाड़ी से मेरी बेटी और मुझे घर लाकर छोड़ दिया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने राजीव चौक पर जमकर हंगामा काटा। जाम लगाने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को शांत करवाया। मृतक लड़की के परिजनों ने तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरी बहन को बुखार आ गया था, ऐसे मौजूद के पैदल पैदल मम्मी को बताते हुए मैं सुबह वहाँ पर हमने दवाई दी, इंजेक्शन लगा दिया, इससे मौत हो गई। कहाँ रहते हो? छावनी मोहल्ला। क्या हुआ आपके साथ? हमारे बेटे को बुखार आ रहा, तो हमने कि बेटे से रात भर से तुम्हें कहीं बुखार आ गए थे तो हम तो दवाई ले आ ले, तो हम दवाई लेने गए, हमारा दवाई ले दवाई मेरी भी दुकान के धल ले, मेरा पर्चा भी दुकान के धल लिया, हमें कोचिंग पैदल गए और कहा कर यहाँ नहीं आए तुम लोग, यहाँ नहीं आए तुम लोग। कौन सा हॉस्पिटल में ले गए थे? तो क्या हुआ फिर? इंजेक्शन लगाते फिर मौत हो गई। हमने तुरंत घर भिजवाया था, तुरंत हम कहीं तुम घर पे जाओ, हम दो ही लोग गए थे दवाई लेने, हम मेरी लड़की घर पे भेज दो, घर पे भेजते मैं पीछे पीछे मेरी लड़की की मच्छी भी दे दे अपनी गाड़ी भेजो। मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता, हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, एमआई, होनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ जस्ट वन टेलीकॉम। हमें आईफोन स्पेशलिस्ट हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराया, मथुरा।